पिछले 2007 से ये हनुमान जी की प्रतिमा का काम चल रहा है। मैंने पहली बार दिल्ली में मेट्रो के बाजू हनुमान जी की प्रतिमा देखी थी। वहाँ पर हनुमान जी के जो हाथ है वो पूरे के पूरे मूवमेंट हो रहे थे, और मूवमेंट के समय पर राम जी और सीता जी के दर्शन जिस प्रकार से उनके हृदय में करवा रहे थे, मेरे भी मन में आया कि इस तरह से एक मंदिर दुलपेट क्षेत्र में बने और एक बहुत बड़े पहाड़ में बने। आज देखिए 150 फीट पहाड़ है और उसके ऊपर 51 फीट की मूर्ति बनना ये कोई मजाक नहीं है। बहुत ही मेहनत के बाद में ये मूर्ति का काम कंप्लीट हुआ है। 2007 से थोड़ा थोड़ा मेहनत करते करते देखिए आज 2016 में ये मूर्ति कंप्लीट हुई, और 14 तारीख के दिन शाम में 3 बजे इसका पूजा पाठ कार्यक्रम करके इसको इनाग्रेशन किया जाएगा। उसी प्रकार से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री राम नवमी के समय पर धुलपेट से बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकलती है बड़े धूमधाम से, लेकिन इस वर्ष यही हनुमान जी की प्रतिमा से शोभा यात्रा प्रारंभ होगी और हनुमान व्यायामशाला में एक सभा के रूप में सम्मिलित हो जाएगी। पिछले बार भी असेंबली में जब मुख्यमंत्री जी से हमने मुलाकात की थी, उनसे निवेदन किया था कि ये मूर्ति आपके कर्कों द्वारा इनाग्रेशन होनी चाहिए। हमने उनको पत्र भी दिया और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कैसा भी धुलपेट आएंगे और ये मंदिर के दर्शन करेंगे, लेकिन प्रोटोकॉल है भद्राचलम हमें जाना पड़ता है, लेकिन कोई ना कोई मिनिस्टर को भेजने का उनका वादा था। मैं हमारे मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करूंगा कि कोई ना कोई मिनिस्टर को आप भेजिए, क्योंकि धुलपेट रिहैबिलिटेशन के लिए कई गवर्नमेंट आई, कोई कहीं चले गई, किसने नहीं किया। ये मंदिर धुलपेट का भाग्य बदल सकता, वो कब हो सकता जब गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करे तो, क्योंकि एक टूरिज्म प्लेस बनना बल्कि हमारी इच्छा है, क्योंकि इतना बड़ा मंदिर और इतना खूबसूरत मंदिर पूरे तेलंगाना में नहीं है, उतना बड़ा मंदिर धुलपेट क्षेत्र में बना है। तो मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार की अगर दृष्टि गिरी तो ये मंदिर टूरिज्म प्लेस भी बनेगा और धुलपेट का भाग्य भी बदलेगा। ये मैं हमारे मुख्यमंत्री साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। धन्यवाद।